हरिओम, मेरा नाम सरिता। आज मैं जो आपको प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ वो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, और बहुत सारी फीमेल इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहती, बिकॉज कुछ लोग बहुत शाय फील करते हैं और कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली उनके साथ हो क्या रहा है। तो प्रॉब्लम है प्रोलैप्स्ड यूट्रस। प्रोलैप्स्ड यूट्रस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो होता क्या है। उसमें जब आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स या लिगामेंट्स जब आपके स्ट्रेच हो जाते हैं या वीकन हो जाते हैं, तो हमारा जो यूट्रस है वो आपके नीचे की तरफ प्रोट्रूड करता है। लाइक वो आपको कई बार तो वेजाइना से आउट भी होने लगता है, वो तो उसे प्रोलैप्स यूट्रस बोला जाता है। वो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बहुत सारी फीमेल्स में, जैसे कि यूरिन उनको रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ज़रा सी भी अगर कफ होता है तो भी यूरिन पास हो जाता है। एक अजीब सा पेन होता है, आपको पेन होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के करते वक्त भी, लाइक इन बिटवीन दैट, तो वो भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं प्रोलैप्स यूट्रस की। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहली बात जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ध्यान दें कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत हैवी लिफ्टिंग जो लोग करते हैं, तो मेक इट श्योर कि आपका कोर और आपका जो पेल्विस फ्लोर है या जो आपका पेल्विक रीजन है वो प्रॉपरली आप उसको पूरा अच्छे से होल्ड करके रखें, या तो कुछ ऐसा टाइट पहने उस टाइम पर, इतना भी टाइट नहीं कि वो पूरे आपके टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज हो जाएं, बट इतना कि वो आपको होल्ड कर सके अगर आप कोई हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। नॉर्मली भी अगर आप कोई चीज़ हैवी उठा रहे हैं तो बी केयरफुल, स्पेशली फॉर फीमेल्स। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिनको बहुत ज़्यादा रहता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हाईली जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके साथ भी प्रोलैप्स यूट्रस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैं देखी गई है कि उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज रेक्टम में उस टाइम पर आपके बहुत इश्यूज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वेजाइनल एरिया के और रेक्टम के, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, जिससे कि रेक्टम आपका कहीं ना कहीं आपका बाहर की तरफ आपका आने लगता है। दूसरा होता है आपका जिसमें बोला जाता है कि जैसे कि कफ, जिसको बहुत एक्सट्रीम कफ रहता है, तो एक्सट्रीम कफ में भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको एक्सट्रीम कफ है तो उसको जल्दी से जल्दी क्योर कीजिए। अगर ब्रोंकाइटिस का इशू है उसके अंदर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बिकॉज जब हमें कफ होता है तो क्या करते हैं, हमारा पेट बहुत तेज़ खींचता है, हम कई बार बोलते हैं कि हमारा पेट दब रहा है या पेट खिंच रहा है ड्यूरिंग कॉफ, या जो उनको ब्रोंकाइटिस होता है, तो वो भी आप जल्दी से जल्दी क्योर कीजिए और उसको ठीक कीजिए, सो दैट कि वो लॉन्ग टाइम ना चले। अब आता है कि जैसे बहुत सारे इश्यूज नॉर्मल भी होते हैं, जैसे कि जिन्होंने जो प्रेग्नेंट होते हैं या जिन्होंने डिलीवर किया होता है बेबी को, किन्हीं का किस कुछ कुछ का बेबी बहुत मतलब बड़ा होता है, तो उस वजह से, और जब वजाइनल डिलीवरी होती है तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, और आफ्टर मेनोपॉज भी होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जो आपका होता है वो कम होने लगता है बॉडी में आफ्टर मेनोपॉज, तो उस वजह से भी आपको प्रोलैप्स यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब करना क्या है इसके अंदर, मेन आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहली बात कि कॉन्स्टिपेटेड अगर आप हैं तो उसको ईजिली मत लीजिए। आप ये मत कीजिए कि कभी कोई मेडिसिन खा लिया, कभी कुछ और कर लिया, आपको अगर हाईली आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो उसको क्योर कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपका मेनोपॉज चल रहा है या आपको लग रहा है कि मेनोपॉज स्टार्ट हो सकता है, तो उससे पहले ही आप अपनी बॉडी को लाइक इतना आप उसमें एक्सरसाइज कीजिए या फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग कीजिए, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपना जो है पेल्विक रीजन उसकी एक्सरसाइजेस कीजिए, थाई एक्सरसाइज कीजिए, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एक्सरसाइज कीजिए, सो दैट कि उस टाइम पर आपको वो प्रॉब्लम ना हो और हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो। अगर जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी में हैं, तो केयर करें प्रॉपरली। अगर आपने वेजाइनल अगर आपका जो है डिलीवरी हुई है और बच्चा अगर बड़ा भी हुआ है या उसका लाइक जैसे बोला जाता है कि लार्ज बेबी जब होता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है, तो उसके बाद की जो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं वो ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेटेड हैं आपको, अगर ब्रोंकाइटिस है, कोल्ड एंड कफ है, क्योर इट एज सुन एज पॉसिबल, उसे जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, या उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं, आप होम रेमेडीज़ हैं या आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है, तो जल्दी से जल्दी उसके लिए भी आप करें। अब क्या होता है कि कई बार हम एकदम से लिफ्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़, हैवी लिफ्ट करते हैं और झटके से उठ जाते हैं, वो भी कई बार रीज़न होता है कि जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो मेन आपको इसमें क्या करना है, जिनको नहीं है उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए और जिनको है उन्हें बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तो जिनको नहीं है, आप अपना कोर स्ट्रेंथ पर काम कीजिए और अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़, आपके पैर स्ट्रांग होने चाहिए, आपका पेल्विक रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर आप पूरा फोकस करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए।
अब जिनको है, जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन पास, यूरिन नहीं रिटेन कर पा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास होता है, जरा भी अगर आप कोई भी सिंपल जंपिंग भी करेंगे तो उसमें भी यूरिन पास हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग बहुत शाय फील करते हैं। उसमें शाय फील करने जैसा कुछ नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको क्योर करने का सोचिए और बात कीजिए। आपको उस चीज़ को लेकर डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से या आपके इंस्ट्रक्टर से, जो भी जिनसे भी आप अगर कोई योगा करते हैं या जिम करते हैं तो उनसे आप ओपनली बात कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम आप नहीं बताएंगे और जंपिंग जैक्स या ऐसी कोई एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पर वो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो जंपिंग जैक्स या कोई भी ऐसे जंपिंग वाली प्रॉब्लम, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी अगर आपको प्रोलैप्स यूट्रस का प्रॉब्लम है। अब मेन क्या करना है आपको इसके अंदर, जिसे बोला जाता है अश्विनी चालन क्रिया, योग में एक क्रिया बोली जाती है अश्विनी चालन क्रिया। यदि आप वो एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपको जो ये प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको जो प्रोलैप्स यूट्रस से जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी, और जिनको नहीं है वो आगे के लिए अपने आप को तैयार करेंगे कि उनको आगे ये प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, इनहेल करते वक्त अपना जो आपका एनस वाला जो भाग है जो, उसको इनहेल करते वक्त ऊपर की तरफ संकुचित करना है, मतलब ऊपर की तरफ उसको पूरी अच्छी तरीके से संकुचित करना है, और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने एनस वाले भाग को ढीला छोड़ना है। उसमें क्या होगा कि आपका जो पेल्विक रीजन है, जो पेल्विस फ्लोर है, वो स्ट्रांग होगा, वहाँ की मसल्स लिगामेंट्स जो वीकन हो गए हैं वो स्ट्रांग होंगे, वो एटलीस्ट उनमें स्ट्रेंथ आएगी। तो इसे कहा जाता है अश्विनी चालन क्रिया। तो ये जब आप करेंगे तो इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने एनल वाले भाग को, जब आप एनस वाले भाग को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा पेल्विस रीजन ही पूरा उसके अंदर कवर होगा, तो वो और धीरे धीरे स्लोली एक्सहेल करते हुए छोड़ना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और जब आपको इसमें प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए, आपको लगेगी हाँ आप ये प्रैक्टिस और अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रैक्टिस में अपने ब्रेथ को रिटेन कर सकते हैं। इनहेल किया, कुछ देर रिटेन किया और बहुत धीरे 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 एक्सहेलेशन किया, ये आप कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ जो ध्यान रखना है इस प्रैक्टिस में, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी कमर बिल्कुल भी नहीं झुकनी चाहिए, मतलब ऐसे बैठ के नहीं करना है। मेक इट श्योर कि आप या तो वॉल सपोर्ट लें या बिल्कुल सीधे बैठें, स्ट्रेट बैठना है इसमें। ऑल्दो आप इस एक्सरसाइज को चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अर्धहलासन बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं विपरीत करनी, जिसमें आपके दोनों पैर 90 डिग्री जाते हैं, ये एक्सरसाइज मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि इसको आप प्रॉपरली विद सपोर्ट विद लाइक प्रॉप्स जैसे मैंने रखे हुए आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरा जो नेक्स्ट मेरी वीडियो बनेगी उसमें आपको मैं बताऊंगी। अभी केवल आप ये वाली भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ, क्योंकि जो विपरीत करनी है उसके अंदर मुझे आपको काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो उसके लिए मेरे को एक पूरा अलग वीडियो तैयार करना होगा। तो एक होता है जिसमें आप बहुत रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जिसे बालासन कहा जाता है। तो जिस तरीके से ये योगा बॉल्स्टर्स हैं, योगा बॉल्स्टर को आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैरों के पीछे इस तरीके से लगा सकते हैं इसको, ठीक है, हल्का से इस तरीके से लगाया जहाँ पे कि आपका हिप जो है, हिप एरिया आपका यहाँ पे कवर हो रहा है इससे। उसके बाद धीरे से आपको आगे की तरफ रिलैक्स करना है। इससे क्या है, आपको जो एब्डोमेन में पेन होता है या जो प्रोलैप्स यूट्रस में एक विजाइनल पेन होता है, कई बार क्या होता है यूट्रस विजाइना से आउट हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर की तरफ आता है, तो वो भी बहुत ही पेनफुल होता है। तो उसके अंदर भी आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, जो भी आपके थेरेपिस्ट हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, या जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ध्यान रखें और डिस्कस ज़रूर करें। बहुत लोग नहीं बताते कि हमको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि हम बताएंगे तो हमारी बहुत एक्सरसाइजेज रुक जाएंगी। यदि आप गलत एक्सरसाइज करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिए अपना, और जिनको है वो ये एक्सरसाइज करें, जिनको नहीं है वो भी अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकंड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।